देख सच सच बता दे वरना मैं तुझे थाने ले जाऊंगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे इसी ने बुलाया था। अरे मैं कहती थी ना इसके लक्षण ठीक नहीं है, और पढ़ाओ तुम इसको लड़कों के स्कूल में। अरे तो हमें क्या पता ये गुल खिलाएगी ये। बाबा आप भी अम्मा की बातों में आ गए, इसे मैंने नहीं बुलाया। ये झूठ बोल रही है। अरे झूठ तो तू इसके मुंह पे बोल रहा है। ये झूठ बोल रही है। बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही, मामा झूठ क्यों आ रहे, तू झूठ मारो मारो तुझो। मुझे उस लड़की से लड़की में कोई बात करनी, मेरा मतलब है सच जानना है। चलिए पे आन खड़ा है, कोई छत से ताड़ रहा है, कोई फूल लिए खड़ा है, कोई दिल थामे खड़ा है, कोई फोन के पीछे पड़ा है, अरे कोई नंबर मांग रहा है। तुम ही बताओ किसको दूं, इसको दूं, उसको दूं, किस किस को दूं। कसम महंगे दूध, ये तो मुझे शक्ल से ही आशिक दिख रहा है। ये आजकल के लड़कों को रणवीर सिंह बनने का बड़ा शौक। चांद रात तो रुपये आराम कर ले, हमारी तो मजबूरी ड्यूटी करनी है, लेकिन इन चेक वो अपनी आग ठंडी करनी है। हेलो, पानी की बोतल दे। हाँ हाँ आ रहा हूँ। और पानी की बोतल तो लेते जा। आज ईद है, ईद का वादा था, मुझे आना था, तुझे घुमाना था। देर कर दी, अब तो सुबह होने वाली है। हाँ आ गया हूँ तुम्हारी गली में, और तुम्हारे लिए ईद का तोहफा भी लेकर आया हूँ, तुम्हारी पसंद का परफ्यूम। अच्छा देखो थोड़ा सा आगे आओ। लेफ्ट साइड पे तुम्हें ब्राउन कलर का गेट दिखेगा, मैं दरवाजा खोलती हूँ, जल्दी से अंदर आ जाना और दो मिनट में बाहर भी चले जाना। अरे मेरी जान तुम तो दो मिनट दे रही हो, तुमसे मिलने के लिए तो एक ही मिनट काफी है मेरे लिए। कोई दरवाजे पे आन खड़ा है, कोई छत से ताड़ रहा है, कोई फूल लिए खड़ा है, कोई दिल थामे खड़ा है, कोई फोन के पीछे पड़ा है, अरे कोई नंबर मांग रहा है। ईद मुबारक। बस बस ठीक है, तुमने कहा था हम किस करेंगे तो फोन पर की तो थी ना, लेकिन तुमने कहा था सच में करेंगे। और देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफा भी लेकर आया हूँ, तुम्हारी पसंद का परफ्यूम। अभी कोई आ जाएगा तू इसे। देखो मैं किस लेकर जाऊँ, तुम्हें पता है कि मेरी मंगनी हो चुकी है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, लेकिन अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो हाथ पर कर लो। ठीक है लेकिन दाहिने हाथ पर करूंगा। सस्ते आशिक मैं देता हूँ तुझे किश, हमारे मोहल्ले की लड़कियों के साथ पप्पियां करेगा और तू बाहर के लड़कों के साथ सेटिंगें चला रही है, हम क्या मर गए इधर। तमीज से बात कर। तमीज सिखाएगा, बुलाऊं क्या इसके बाप को। नहीं प्लीज प्लीज अब को मत बुलाना, इसे ले जाओ यहाँ से। ये सब करने का मेरे को क्या मिलेगा, तुम ये रख लो। तुम पागल वागल समझे क्या। हाँ तो बोलो ना, पैसे चाहिए, जल्दी बोलो कोई आ जाएगा। मैं नहीं दे रहा पैसे वैसे। अबे पैसे ले भी कौन रहा है, मुझे तो किश चाहिए किश। तुम पागल हो क्या साले, बाहर चल मैं देता हूँ तुझे किश। ना दो ना दो,
अभी बुलाता हूँ इसके बाप को। चाचा जी। अच्छा, रुको, ठीक है, लेकिन हाथ पर करने दूंगी बस। तुम पागल हो गई हो? वो बाएं हाथ पर ही करवा रही हूँ। आंटी आंटी, ये ना इसका हाथ पकड़ रहा था। जी अम्मी, ये मेरा हाथ पकड़ रहा था, वो तो शुक्र के भाई जान आ गए। अरे ओ कमबख्त, तू है कौन जो हमारी ईद के साथ हमारी लड़की की जिंदगी खराब करने आ गया है? क्या हुआ, क्या हुआ? अरे ये क्या मनुज घर में घुस आया है, तुम्हारी बेटी के साथ दोस्तराजी कर रहा है। अबे शर्म नहीं आती तुझे? सिंगाड़े मारो इसको। अंकल मैं इसकी जेब फाड़ूंगा ताकि इसके घर वालों को भी पता लगे ना। कोई लो जी, आ गई पुलिस। आए जी, आए लेकर जाएं इसको। वैसे आपको किसने बुलाया? मुझे कौन बुलाएगा भाई, 15 पे कॉल आई हुई है। मोहल्ले में किसी ने देखकर कर दी होगी। अब खैर ये बात छोड़े, मसला क्या है? ये जी, हमारे मोहल्ले की लड़की के साथ दस्तराजी करने की कोशिश कर रहा था। वैसे लड़की किधर है? ये रही, ये रही। एक काम करें, आप लोग जाएं, ये खातून का मामला है, घर में ही हल होगा। बल्कि काम करें, आप लोग इधर ही रहें, हम जरा अंदर चल के बात कर लेते, क्या ख्याल है भाई? हाँ हाँ, आ जाओ। खड़ा है कोई फोन के पीछे पड़ा है, अरे कोई नंबर मांग रहा है। तुम ही बताओ किसको दूं, इसको दूं, उसको दूं, किस किस को दूं? क्या जरूरत थी उसके साथ उसको अकेला भेजने की? अरे कानून से क्या छुपाना। आंटी वैसे बात कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई इनकी? आंटी मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी बेटी को संभालिए वरना ये किसी दिन आप लोगों की नाक कटा देगी। अबे तू तो रहने दे हरामी, इतनी आखिर आई भी तो शादी क्यों नहीं कर लेगा तू? अरे शादी से मुझे याद आया, इसको कहीं उन्होंने तो नहीं भेजा जहाँ हमने इसकी पहले मंगनी की थी? मुझे किसी ने नहीं बुलाया, आपकी बेटी ने बुलाया था। अबे चुप कर, मेरे होते हुए मेरे मोहल्ले की लड़कियों को कोई देख भी नहीं सकता। जी वो लड़की से बात करके जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं उससे तो यही फैसला सामने आता है कि लड़का झूठ बोल रहा है। मैं सच बोल रहा हूं, मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं, मुझे इसी लड़की ने बुलाया था। देखिए अभी भी इल्जाम लगा रहा है मुझ पे। मैं लेके चलता हूं उसको थाने। हां हां लेके जाओ इसको, और चौक पे जाके इसको फांसी लगाना ताकि ये पूरी दुनिया के लिए निशाने इबरत बने। ले जाओ इसको। लेकिन एक मिनट, एक बात करनी थी। अगर तो एफआईआर काट दूंगा तो आप लोगों को आना पड़ेगा, और साथ ही साथ लड़की को भी एफआईआर कटवाने के लिए आना होगा, बेइज्जती तो तब भी होगी। अब आप लोग बताएं क्या करना है भाई। हमें कटवानी कोई एफआईआर वेफआईआर, एक काम करो आप इसे ले जाओ और खूब फेटी लगाओ इसकी, बल्कि मैं तो करो अपनी पैदा भी कर लेना। ले जाओ इसको, ले जाओ। बस तो फिर ठीक है, अब मैं जानू और ये चल बेटा। और हाँ वो तेरा परफ्यूम किधर है? वो भी साथ ले ताकि तेरे को छिड़क छिड़क के मारूंगा। अच्छा सुनो बेटा, इधर जाते जाते सिवैया ले जाना, आखिर हमारी खातिर तुम ड्यूटी दे रहे हो, हमारी खिदमत कर रहे हो, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, वैसी कमजोरी हो गई है काम। चलो भाई चल, कहाँ है तेरा परफ्यूम, उठा निकल, चल चबा। अरे कोई नंबर मांग रहा है, बताओ किसको दूं, इसको दूं, उसको दूं, किस किस को दूं? आज ईद है, ईद का वादा था, मुझे आना था, तुझे घुमाना था, छत पे जाते तो मौसम सुहाना था, शॉपिंग करवानी थी, गले लगाना था।
एनकाउंटर तो नहीं करोगे? अबे पागल हो गया है क्या? जब कहा ना जा तो जा। भाई एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ। जब तुम्हें मुझे कुछ कहना ही नहीं था तो मुझे बचाया क्यों? मैंने तुझे इसलिए बचाया क्योंकि तूने मेरी जान बचाई है। वो कैसे? हेलो, पानी की बोतल दो। अबे भाई पानी की बोतल तो लेता जा। हाँ जान, चांद मुबारक। अरे कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर वेटिंग पे जा रहा है। हाँ तो ठीक है, सबको कहो मुबारकबाद, लेकिन हमारा भी तो ख्याल करो। हाँ अरे ड्यूटी ऑफ करके मैं सीधा घर नहीं गया, बल्कि तुमको देखने आ गया। अपने चांद को तो देख लो भाई, चांद को देखे बगैर कैसी चांद रात। अब भाई तुम्हारे घर के सामने हूं क्या, और वेट करना पड़ेगा? कब जा रहे हैं मेहमान? अच्छा चलो मैं वेट कर लेता, लेकिन अगली कॉल मैं तुम्हारे गली में आके करूंगा, ठीक है ना? ओके बाय। पतंगी ने और अच्छे से बाल काटियो। कोई दरवाजे पे आन खड़ा है, कोई छत से। यानी तुम्हें भी उसने बुलाया था? हाँ, और तुमने मुझे बचाया ऐसे कि अगर तुम वहां ना आते तो इज्जत के साथ साथ नौकरी भी चली जाती मेरी। तो फिर आपने उससे पूछा कि उसने अपने घर वालों को सच क्यों नहीं बताया? ये सब क्या चेपन है, तुमने इसे भी यहाँ बुलाया? क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? वो झूठ बोल रहा है, मुझे तंग करता था, आज खुद घर तक आ गया। मैं तो तुम्हारे लिए सजी थी। देखो मुझसे झूठ मत बोलो, तुम अपने माँ बाप को बेवकूफ बना सकती लेकिन मुझे नहीं। मैं भी जाके तुम्हारे माँ बाप से सब कुछ बोल दूंगा। एक मिनट, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? क्या तुम्हें मेरे इन आंसू पर भी यकीन नहीं? उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं। वो क्या कहता अपना जाकिर खान? वैसे तो मैं बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यहाँ आके मैं पिघल गया हूँ। खैर ये बात छोड़, परफ्यूम दे, जल्दी दे। अबे उसने भी देना ही था तेरे भाई को। अच्छा चल निकल। ओके सर। अच्छा बात सुन, ईद मुबारक। अरे खैर मुबारक सर, खैर मुबारक। आज ईद है, ईद का वादा था, मुझे आना था, तुझे घुमाना था, छत पे जाते तो मौसम सुहाना था, शॉपिंग करवानी थी, गले लगाना था।